जो भी स्टूडेंट इस बार इंटरमीडिएट पास किया और बीए पार्ट वन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जानकारी होने वाला है, क्योंकि उन सभी का LMNU में ऑनलाइन एडमिशन होना आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। इस वीडियो को मदद से आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, फुल डिटेल में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। कितना रुपया आप लोगों को पेमेंट लगेगा फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग सबसे पहली बार इस चैनल पर हो तो न्यू हो तो नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन करने से पहले आप लोगों को ये नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप लोग को देखना जरूरी है। अगर आप लोग ये नोटिफिकेशन नहीं देखते हो तो आप लोगों को एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है कि आप लोगों को किस प्रकार एडमिशन कराना है, क्या डिटेल में आप लोगों को मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, आप लोगों को एडमिशन करने का क्या प्रोसेस है, फुल डिटेल में इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एडमिशन BA BSc BCOM ऑनर्स जनरल पार्ट वन 2020-21 यानी 2020-21 में एडमिशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख लीजिए, महत्वपूर्ण तिथियाँ एक नज़र में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो है 1/10/2020 से स्टार्ट कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं है वो समझ लीजिए कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो उसका लास्ट डेट है 16/10/2020। वहीं अब आगे बात करने जा रहा हूँ, देख लीजिए पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आप लोगों के 21/10/2020 को प्रकाशित कर दिया जाएगा। वही अंतिम जो है ऑनलाइन सबमिटेड ऑब्जेक्शन, जो अगर आप लोग कोई आपत्ति होता है तो आप लोग उसके खिलाफ अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 22 और 23 तारीख को, यानी 22-23 अक्टूबर को आप लोग कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट 27 अक्टूबर 2020 को आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। आप लोग को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार ऑनलाइन करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को जाना बेहद जरूरी, किस प्रकार ऑनलाइन किया जाएगा वो इस नीचे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कुछ जानकारी यहाँ पर, एडमिशन इज कॉरेक्शन कॉलेज सेंटर फर्स्ट लिस्ट, आप लोगों को जो है 28/10/2020 से आप लोगों को 5/11/2020 तक आप लोगों को एडमिशन करा लेना है कॉलेज में जाकर। आप लोगों को जिस लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों को नाम आता है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा लेना है। आप लोगों को एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताऊंगा तब लंबा प्रोसेस हो जाएगा और लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नीचे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्लास प्रारंभ की तिथि यहां पर 6/11/2020 से क्लास आप लोगों को प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर देख लीजिए पब्लिकेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को ऑनलाइन किस प्रकार करना है वो आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। तो आप लोगों को यहां से ध्यानपूर्वक देखिए, ये लिस्ट आप लोगों को ये जो है नोटिफिकेशन कहां मिलेगा आप लोगों को मैं आगे बता देता हूं कि किस प्रकार आप लोगों को ये भी डाउनलोड करके पढ़ लेना है, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यह दिया गया है, जो कि अगर आप लोग ऑनलाइन करते हैं उसके लिए निर्देश दिया गया है आप लोग को किस प्रकार ऑनलाइन करना है। देख लीजिए अभ्यर्थी को निर्देश, उसके नीचे एक नंबर में आप लोग को देख लीजिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक इस निर्देश को पढ़े, आप लोग को ये निर्देश को पढ़ना है। दो नंबर में देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को, जो भी स्टूडेंट आप लोग को इस वेबसाइट पर चले जाना है, इस वेबसाइट पर किस प्रकार जाना है आप लोगों को मैं आगे बता दूंगा और किस तरह आप लोगों को करना है, तो फुल डिटेल में आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। यहां पर देख लीजिए, यहां पर तीन नंबर में पहली बार अगर आप उपयोग करने जा रहे हो तो आवेदन पहले रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करके आप अकाउंट बनाना होगा, क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हो तो आप लोग को एक पेज बनाना होगा, जो कि आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके बनाना होगा, क्योंकि जो भी पहली बार एडमिशन कराने जा रहे हो उसका पहली बार होगा, तो आप लोग को फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन आईडी बना लेना होगा, क्योंकि जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। आगे देख लीजिए चार नंबर में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रिएट
यूजर पृष्ठ के तहत सभी फील्डों के अर्थात फील्ड के नाम से सटे द्वार इंगित सभी फील्डों को भरना अनिवार्य है। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म न्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन आएगा जो कि फिल करने के लिए आप लोगों को बोला जाएगा, उसको भरना आप लोगों को अनिवार्य है। पाँच नंबर में देख लीजिए क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिस आवेदन के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है उन्हें नया खाता बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उसके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप लोग को पहले बना लेना है। आप लोगों को किस प्रकार ईमेल आईडी बनाना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से देख लीजिए वो वीडियो। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को ईमेल आईडी बनाया जाता है, आसानी से आप लोग ईमेल आईडी बना लीजिए। अगर आप लोग ईमेल आईडी में पासवर्ड भूल गया तो फिर से एक नया ईमेल आईडी बनाना होगा और उसको पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडमिशन के समय उसका इम्पोर्टेंट आप लोगों को ये ईमेल आईडी मांगा जाएगा और उस पर कुछ नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के एक या आई बटन में आप लोगों को वीडियो मिलेगा या वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों के लिए एक वीडियो मिल जाएगा, ईमेल आईडी किस प्रकार बनाया जाता है आप लोगों को होम स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो वो वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देख कर आप लोग उस वीडियो की सहायता से आप लोग ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ईमेल आईडी बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कीजिए, फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ईमेल आईडी बनाने के लिए वीडियो बना दिया हूं तो आप लोग वहां से आसानी से ईमेल आईडी बना सकते हो। नीचे जाने के बाद 6 नंबर में देख लीजिए, आवेदन अपना पहला नाम ठीक वैसे ही दर्ज करेंगे जैसे कि आपको +2 बोर्ड सर्टिफिकेट में अंकित है। जो भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो वो उसी प्रकार नाम अंकित करेंगे जो कि आपके 12वीं एग्ज़ाम में पास किए थे, 12वीं के मार्कशीट पर दिया गया है, उसी प्रकार अपना नाम सही सही भरेंगे। उसके बाद 7 नंबर में देख लीजिए, पुष्टि के लिए अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, नए उपभोक्ता खाते के निर्माण की पुष्टि करने के लिए OTP को भरें। उसके बाद आप लोग को नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आप लोगों को OTP एक मोबाइल पर भेज दिया जाएगा और वो OTP फिल करके सबमिट कर देना है तो आप लोगों को यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ भी बताने वाला हूँ, पहले ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या हस्ताक्षर को स्कैन कॉपी तैयार रखें। आप लोग को अगर ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास एक हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना चाहिए और आप लोगों के पास फ़ोटो होना चाहिए। आप लोगों को सिग्नेचर फ़ोटो किस साइज में बनाना होगा तो आप लोगों को हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर का साइज 30 KB से कम होना चाहिए, वहीं फ़ोटो का साइज 50 KB से कम होना चाहिए। आप लोग को इस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा तो आप लोग आसानी से वो आप लोग को किस प्रकार साइज कम करना है किस प्रकार साइज ज़्यादा करना है उस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा। हस्ताक्षर केवल सभी काली स्याही के बॉल पेन से किए जाना चाहिए, आप लोग के यहाँ निर्देश देख लीजिए। उसके बाद 9 नंबर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ आवश्यक हो वहाँ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़े। आप लोग को जहाँ ये आवश्यकता होता है वहाँ पर आप लोग को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आवेदन करना, अगर सबमिट करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट पेज में ही फ़ोटो और सिग्नेचर मांगता है, इसीलिए आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर सबसे पहले तैयार रखना होगा। उसके बाद 10 नंबर पर देख लीजिए, क्रिएट यूजर पृष्ठ को पूरा करने के बाद नीचे दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा नीचे दिए गए निर्देश पर। 11 नंबर में देख लीजिए, पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 5 टैब में विभाजित किया गया है, आवेदक को प्रत्येक अनुभाग में विभिन्न दर्ज किया जाना। अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो आप लोगों को 5 भाग में फॉर्म फिलअप करना होगा, सभी फॉर्म को आप लोग सभी पार्ट को फिल करना ज़रूरी है क्योंकि लंबा प्रोसेस है, आप लोग को लिए मैं बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रही। यहाँ पर देख सकते हैं, पेमेंट आने से पहले आप पूर्वावलोकन विकल्प करें। यहाँ पर 12 नंबर में ये दिया गया है कि अगर आप लोग सबमिट करने से पहले आप लोग को एक प्रीव्यू का ऑप्शन साइड में मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना आप लोग को फॉर्म सभी जो फिल किए हैं वो आ जाएगा, आप लोग उसमें देख लीजिए, अगर कोई प्रकार की गलती है तो सबसे पहले एडिट करके उसको सुधार कर लीजिए। एवं आपको यहाँ पर देख लीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और आधार नंबर आप लोग को सही सही भरा जाना चाहिए। अगर आप लोग को ये गलत है तो आप लोग फिर से जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आप लोग को ये सही सही भरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मोबाइल नंबर पर OTP ईमेल आईडी पर आवश्यक सूचना या OTP और आधार कार्ड से मैच करना पड़ता है, आप लोग को इसीलिए उसको
सही सही जानकारी रखना पड़ेगा। और आप लोग को क्रिएट ओटीपी अगर आप लोग को मोबाइल पर आता है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड को सुरक्षित रखना है। आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, तो उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करके मोबाइल में सेव कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर में कुछ आवश्यक जानकारी, यदि भरे हुए ऑनलाइन आवेदन के अवलोकन यानी पूर्वावलोकन प्रीव्यू के देख कर संतुष्ट हो गए, तो कॉलम जैसे नाम, पिता का नाम, आप लोगों को आयु, किस जाति से हो, सभी चीज़ आप लोग को सही सही ढंग से भरा गया है, प्रीव्यू का क्या करना है, प्रिंट आउट करके रख लेना है, या आवेदन हस्ताक्षर भरने के बाद ओटीपी सत्यापित कर अपलोड करें। आप लोग को हस्ताक्षर अपलोड कर देने के बाद आप लोगों को मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जो आप लोग को उसमें फिल करके यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा कि आप ही हैं, अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके नंबर पर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दिया गया है, यदि आप लोगों में कम से कम, यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है, प्रतिविध आप लोग अगर पासपोर्ट भूल गए हैं तो आप लोग क्या करना है, एडिट ऑप्शन में जाकर ऑनलाइन करेक्शन करा सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग ऑनलाइन करेक्शन करा सकते हैं। कभी भी डाउनलोड किए गए हार्ड कॉपी प्रीव्यू में करेक्शन करके उसे अपलोड न करें। अगर आपके पास कोई डाउनलोड कॉपी है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको बोल रहे हैं कि अपलोड नहीं करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन करेक्शन के बाद आप लोग को प्रीव्यू का प्रिंट आउट निकाल कर उसे अपलोड करें। अगर ऑनलाइन आप लोग अपलोड ऑनलाइन कर लेते हैं, उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ पर देख लीजिए प्रिंट आउट अपलोड करने के बाद पुनः भुगतान का विकल्प आएगा। अगर आप लोग जो प्रीव्यू किए हैं उसको प्रिंट आउट करके निकाल कर अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, प्रिंट आउट का यहाँ पर आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद क्या करना है, भुगतान गेटवे प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करना है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पेमेंट करना है, आप लोग को आवेदन की दो पंक्तियाँ डाउनलोड करके एक प्रवेश के समय उपयोग करने और दूसरा उम्मीदवार द्वारा अंकित संदर्भ में सुरक्षित रहे। आप लोग को दो आप लोग को डॉक्यूमेंट रखना है, एक आप लोग को कॉलेज में लगेगा और अपने घर में एक सुरक्षित रखना है। आप लोग को कितना ऑनलाइन चार्ज लगेगा, तो आप लोग को 400 रुपया इसके लिए ऑनलाइन चार्ज लगेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्ट एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 400 रुपया आप लोगों को प्लस यहाँ पर देख लीजिए बैंक शुल्क, आप लोगों को कुछ GST चार्ज भी आप लोगों को देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है इंपॉर्टेंट जानकारी, उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम एक कॉलम को चयन करना आवश्यक है। अगर कोई सब्जेक्ट एक रखना है तो कम से कम एक कॉलम, अधिकतम 5 कॉलम रख सकते हैं किसी एक विषय के लिए, अधिकतम 5, जैसे कि आप लोग को मैं बता दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये सभी जानकारी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। छात्र आवश्यक यहाँ पर देख लीजिए प्लस टू के सभी दस्तावेज को आप लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन वही करेंगे जिसका जो 45% मार्क आया है। अगर आप लोग कोई ऑनर्स करना चाहते हैं तो जिसमें कम से कम 45% मार्क है, वही उस जिस चीज़ में अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उसमें कम से कम आपको 45% मार्क आना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को बता दिए, कुल के आपको क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ इसमें जानकारी। अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोटिफिकेशन करने के लिए डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर मैं इतना बताऊँ तो आप लोग के लिए बहुत समय लग सकता है। आप लोगों को आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन में, फुल डिटेल में आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो आप लोग के लिए मैं इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि इस यह वीडियो लंबा हो गया, आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊँगा किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए।